केदारनाथ, हे केदारनाथ, तू क्या तू रूठ गई, मौत को लगी बिछोड़, मौत को मौत। हेलो एवरीवन, सेवा सोनी नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ विक्रम राव, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर स्मार्ट सिटी देहरादून में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही दोपहर के 11 बजे से, और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले केदारनाथ में बहुत ही तेज लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग बहे भी थे और कई लोगों का अभी पता ही नहीं चल रहा हो, काफ़ी घोड़े खच्चर काफ़ी बह चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा सोनप्रयाग में जो काफ़ी तेज लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, काफ़ी लोगों का अभी लापता है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ हैं क्या हैं, पता नहीं, काफ़ी लोग उसमें बहे थे और काफ़ी लोगों के घोड़े खच्चर काफ़ी बह गए थे वहाँ पर। और आपने देखा होगा केदारनाथ का जो सोनप्रयाग से ऊपर पैदल मार्ग है तो सारा तबाही मच चुका है। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा, ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा भूस्खलन से पूरा तहस नहस हो चुका है, पूरा जितने भी दुकानें थी लोगों के सारे दुकानें वगैरह तबाह हो चुकी है और सारे सामान तहस नहस हो चुका है। और इसमें काफ़ी लोग मतलब अभी पता ही नहीं चल रहा कि कौन थे कौन नहीं थे, काफ़ी लोग अपने घरों अभी पहुंच नहीं पाए, पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे NDRF की जो टीम है वो सारी रेस्क्यू के द्वारा सबको यात्रियों को बचा रहे हैं और उनको सही सलामत उनके घरों पहुँचा रहे हैं। तो बने रहे मेरे साथ खेती मालसी ब्लॉग में, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कि केदारनाथ में सोनप्रयाग में काफ़ी तेज लैंडस्लाइड हुआ था और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं वहाँ से। तो आप लोगों की खासकर यही गुजारिश है कि आप लोग ऐसे ही सावन के महीने में, ऐसे बरसात के मौसम में, कि ये चार धाम की यात्रा जो है वो मत करें, क्योंकि आजकल काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इस कारण से लोग काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी इस बरसात के मौसम पर तो खासकर घर से बाहर ही निकले ही ना, और खासकर इस चार धाम की जो यात्रा है आप लोगों की वो बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि अभी जो सेफ है नहीं। तो अभी ऐसे में कई अभी हमारे इधर साइड का एक हमारे रिलेटिव का है, एक मेरी दीदी का लड़का है, मेरी बुआ का जो लड़की है उसका बेटा, जो कि अभी गैटसैंड भराटसैंड में आता है सारकोट परवाड़ी गाँव का, तो वो अभी 20-22 साल का है, तो अभी तक घर नहीं पहुँचा है। तो उनको अभी घर वालों को उम्मीद है कि वो आएगा, अभी काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से अभी तक घर नहीं आए। और अभी देवी देवताओं ने भी बोला, पुछारों ने भी बोला कि मिल जाएगा, हमें तो उम्मीद है कि मिल जाएगा, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ भी हो सलामत हो और सही सलामत घर पहुँच जाए, क्योंकि मतलब घर का बड़ा बेटा है और फिर इतनी छोटी उम्र में, मतलब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि फैमिली में क्या गुजर रही होगी, उनके परिवार वाले कैसे फील कर रहे होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि यार वो सच में जहाँ भी हो और सही सलामत घर पहुँच जाए। और यहाँ पे देवी देवताओं पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ पे अभी जो घर के कुल देवी हैं वगैरह हैं अपने उधर साइड के, तो पूछा रहे जो भी हैं, तो अभी कह रहे हैं कि मतलब आज कल तक उसका पता चल जाएगा और कुछ दिन बाद वो घर पहुँच जाएगा। यार उम्मीद तो यही है कि वो सच में आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन से वहाँ पर बाढ़ है तब से उसका कोई आता पता ही नहीं है, उसका फोन न फान कुछ नहीं है, किसी के द्वारा उसका पता ही नहीं चल रहा है। वो भी वहाँ पे किसी के साथ वहाँ पे काम करता था, किसी के घोड़े के साथ, जिस दुकान पे वो काम करता था वहाँ पे, जहाँ पे उसने घोड़े बांधे हुए थे, तो सुनने में आ रहा कि वो घोड़ा खोलने के लिए आ रहा था कि मतलब मैं घोड़े को खोल देता हूँ करके, उसका वहाँ पर मालिक था नहीं, उसका मालिक घर आया हुआ था, तो उसने घोड़ा तो खोल दिया, पता नहीं वो दुकान अभी बची है नहीं बची है, दुकान तो शायद साफ है, तो भगवान ही जाने यार कि वो बच्चा पता नहीं कहाँ है क्या है। तो जहाँ भी हो यार सलामत हो, और मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि वो सही से मतलब घर पहुंचाए। और आप लोग देख सकते हैं वहाँ के कैसी हालत है, वहाँ पे जो सोनप्रयाग से ऊपर केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है तो पूरा बहुत ही भयंकर, वहाँ पे पूरा गहरी गहरी खाई बनी हुई है, जहाँ पे छोटी सी नाली थी वहाँ पे भयंकर नदी बन चुकी है। तो मतलब पता नहीं अब उत्तराखंड में कौन सा ये हो रहा है, एक 2013 में आई थी भयंकर आपदा और एक अभी आया है, तो अभी तो खैर उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये भी बहुत ही बड़ा भोलेनाथ का कुछ संकेत है। तो हम लोग पता नहीं यार बाहर से काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे, काफ़ी मतलब सही नहीं करते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं इस मौसम में बिल्कुल भी ना जाएं, और हमारे जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे कृपया इतना मतलब ऐसे असली हरकतें या फिर ऐसे छुआछूत ना करें जिसकी वजह से हम सबको भुगतना पड़ता है। बने रहे मेरे साथ खेती मालसी ब्लॉग में।
तो दोस्तों ये सोनपरिया का नज़ारा है जहाँ पे सेनाओं द्वारा ये एक पुल का निर्माण किया गया है और ये बहुत ही रिस्की है। यहाँ पे एक एक करके पकड़ पकड़ के आना पड़ रहा है। तो इस शख्स को आप देखोगे ये यहाँ पे बहुत आराम से आ रहा है और जैसे ये नदी पार करता है वैसे ये देखो कैसे ऊपर देखता है फिर नीचे फिर ऊपर फिर भाग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, काफ़ी भूस्खलन हो रहा है तो ये सारे पत्थर ऊपर से गिरे हुए हैं तो यहाँ पे जान जोखिम पर लेके लोग अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे लोगों को। तो यहाँ पे काफ़ी हज़ारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं जो कि NTRF के जो सैनिक हैं उनके द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है और ये देखो एक एक करके कैसे बचाया जा रहा है, एक एक करके इनको नदी पार कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत ही ज़्यादा बहाव है जिसकी वजह से ये पैर टिक नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे रेस्क्यू द्वारा ये एक एक करके ये रस्सी से पकड़ पकड़ के इनको एक एक करके बचा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे बहुत ही भयंकर खाई है। जब लैंडस्लाइड हुआ था 100-200 मीटर का जो रास्ता था वो पूरा बह चुका है। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर खाई बन चुकी है और ये देख सकते हैं आप लोग कितने सारे श्रद्धालु फंसे हुए हैं और ये लोग देखो तो कितनी लंबी लाइन लगी है श्रद्धालुओं का। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। वैसे न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि हज़ार कुछ लोग फंसे हुए हैं लेकिन यहाँ पे किसी ने हमें बताया कि हज़ारों नहीं लाखों लोग फंसे हुए हैं और आप देख सकते हैं एक एक करके कैसे रेस्क्यू टीम इनको निकाल रही है। बोल शंकर भगवान की जय। आ जाओ शनि भोले आ जाओ। बोल शंकर भगवान की। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये डेड बॉडी है, ये खच्चर की है। यहाँ पे पता नहीं जब लैंडस्लाइड हुआ था तो बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारे घोड़े खच्चर बहे थे और पता नहीं यात्री भी काफ़ी लोग बहे थे और अभी काफ़ी लोगों का पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था और आज देखो यहाँ पे कैसे लैंडस्लाइड की वजह से पूरा सी खाई बन चुकी है। पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे ग्लेशियर हुआ करता था लेकिन अभी देखो तो कितनी भयंकर खाई बन चुकी है। ग्लेशियर का कोई अता पता नहीं यार, ये पूरा जब लैंडस्लाइड हुआ था तो देखो कितनी भयंकर तेज़ी से बहाव आया होगा और देखो कितना नुकसान हुआ होगा। और यहाँ पर देखो ना अगर कोई यहाँ पर आया होगा तो उसका तो बचना बहुत ही मुश्किल है। पूरे रास्ते पूरे सब जगह से टूट गया, सारा लंबी लंबी खाई बन चुकी है। बहुत ही ज़्यादा यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह से भाग रहे हैं। और दोस्तों ये जगह जो गौर से देखो ये वही जगह है जहाँ पे पर्ची कटते थे। ये बड़ी लिंचोली है, यहाँ पे पर्ची कटती थी और देखो कि पूरा बहाव से पूरा तहस नहस चुका है। देखो कितने भयंकर खाई बन चुकी है, पता ही नहीं चल रहा रास्ता कहाँ है। ये देखो पूरा तहस नहस हो चुका है, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े, देखो। और देखो जगह जगह से कैसे पानी निकल रखा है, कैसे हुआ जबकि यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं था और यहाँ पे पूरा एकदम से क्लियर रास्ता था। तो ये था रास्ता, ये देखो जो कि पूरा लैंडस्लाइड से पूरा बह चुका है। देखो ये सामने से जा रहा है रास्ता, यहीं से ट्रैक हुआ करता था और ये देखो दुकानें सारे बह चुके हैं, लोगों के जितने भी दुकानें थे बहुत ही भयंकर खाई बन चुकी है यहाँ पे।
और दोस्तों ये है छोटी लिंचोड़ी, यहाँ पे देखो दुकानें यहाँ पे जितने लोगों ने दुकानें खोली हुई थी ना ये सारा बह चुका है। पता नहीं यहाँ पे वो लोग रहे होंगे तो पता नहीं उनको चोट लगी होगी, ये दबे होंगे। ये देखो कैसे दुकानें कैसे बह रखे हैं, ये देखो ये पूरा दुकान पूरा बह चुका है, पूरा दब चुका है। और यहाँ पे सारे लोग उस टाइम पे जिनको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे लंच नाइट होने वाला है, तो मतलब इन्होंने टाइम पे कोई भाग चुके हैं, जो नहीं भाग पाए तो वो लोग शायद उनका नुकसान हुआ होगा। ये देखो दुकानें सारी तहस नहस हो गई है, बहुत ही ज़्यादा दुकानें थी। ये है पैदल रास्ता है जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे रास्ते में लोगों ने दुकानें खोली हुई थी। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर दुकानें के ऊपर गिरा हुआ है, देखो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सामान सारा तहस नहस हो चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया अभी यात्रा पे मत आएँ, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा जोखिम है, तो कृपया अभी यात्रा पे मत आएँ।